नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। दिल्ली में वायु प्रदूषण से बचाव के लिए टीम गठित। जेटली ने कहा कि उद्यमिता ही भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती। राव ने कहा कि तेलंगाना मुस्लिम कोटा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा। राहुल ने मोदी पर निशाना साधा, कांग्रेस ने रूपानी को हटाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में रंगदारी मांगने वाला सरकारी अधिकारी गिरफ्तार। प्रद्युमन के पिता ने कहा कि हत्या मामले में पिंटू परिवार से पूछताछ होनी चाहिए। सऊदी अरब का नागरिकों से लेबनान छोड़ने का आग्रह। अमेरिका ने वेनेजुएला के 10 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए। शशिकला के परिवार और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी। बिपिन रावत ने कहा कि सेना हर स्थिति में माकूल जवाब देने को तैयार। वियतनाम में तूफान टामरे से 106 लोगों की मौत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय भोपाल दौरे पर। केजरीवाल ने सम विषम योजना पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई। लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना, 2 लोगों की मौत।